बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को जहानाबाद, शेखपुरा समेत कई इलाकों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। इस बीच छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों आरजेडी समेत कई दलों ने भी बंद का समर्थन किया है। वहीं शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने राज्य के अलग अलग जिलों में जमकर उत्पात मचाया और रेलवे को काफी नुकसान पहुंचाया। उपद्रवियों ने 60 से अधिक कोचों और 10 रेल इंजनों में आग लगा दी। इससे कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने 60 से अधिक कोचों और 10 से अधिक रेल इंजनों में आग लगा दी। यात्री सुरक्षा के मद्देनजर 214 मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा है। 78 ट्रेनों पर आंशिक असर पड़ा है। इसी तरह 12 ट्रेनों को रीशेड्यूल कर चलाया गया, जबकि एक ट्रेन का परिचालन बदले हुए रूट से किया गया, जिसके चलते हजारों यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ ही नहीं कर सके। इन यात्रियों में छात्र, मरीज भी शामिल हैं, जिन्हें धरना प्रदर्शन के कारण अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इसी कड़ी में मालगाड़ियों का भी परिचालन प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने पिछले 2 दिनों में दानापुर मंडल में 50 बोगियों और 7 रेल इंजन को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कई सिग्नल को भी क्षतिग्रस्त किया गया। उपद्रव की वजह से रेलवे को कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इससे यात्रियों को करीब 60 करोड़ का टिकट रिफंड करना पड़ा। अकेले दानापुर मंडल में कुल मिलाकर करीब 216 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने दावा करते हुए कहा कि यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसके लिए भरपूर प्रयास किया गया। इसी प्रयास के तहत विभिन्न स्टेशनों पर फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए खान पान मुहैया कराने, बीमार यात्रियों के लिए मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई। पूर्व मध्य रेल की ओर से रेल संपत्ति की क्षति का आकलन किया जा रहा है। स्टेशनों पर फंसे हुए यात्रियों को RPF, GRP की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग रहा है।